हैं आप लोग? वेल, मेरा नाम है विंदर, आप देख रहे हैं टेक मास्टर। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप वन प्लस का फोन क्यों लोगे तो कुछ फिक्स से पॉइंट होंगे, जैसे उसमें काफी कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता है, ऑक्सीजन ओएस देखने को मिलता है, वन प्लस की ब्रांड वैल्यू काफी कमाल की है, और ऑब्वियस बात है कैमरा तो देखने को मिलता ही है। अगर मैं आपसे बात कहूं कि ये सारी चीजें, जैसे वन प्लस धीरे धीरे एक्सपेंसिव होता जा रहा है उसके चलते ये सारी चीजें आपको आधे प्राइस में देखने को मिल जाए तो कैसे कमाल लगेगा ना, मतलब सुनने में ही कमाल लग रहा है। ये सारी चीजें होने वाली है OnePlus Z के साथ, एक्सेप्ट उसमें अपन को जो फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलता है वो देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में मिलने वाली हैं। एक्चुअली जो OnePlus Z है वो OnePlus का अपकमिंग मिड रेंज स्मार्टफोन है। ये OnePlus की ओर से पहला सा स्मार्टफोन होगा जिसमें हमको फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर नहीं देखने को मिलेगा, और ये जो नॉर्मल फोन आ रहे हैं जैसे अपन को OnePlus 8 सीरीज अभी देखने को मिले उससे ऑलमोस्ट आधी प्राइस में देखने को मिलेगी। मतलब अगर मैं OnePlus 8 से इसका सीधा सा कंपैरिजन करूं तो ऑलमोस्ट सारे स्पेक्स और फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, वो भी ऑलमोस्ट आधी प्राइस में। तो ऐसे चलते हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि बेसिकली हमको इसमें क्या स्पेसिफिकेशन और क्या फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। ये ऊपरी बातों में कुछ मजा आ नहीं रहा है। तो पहले कुछ लीक्स और रूमर्स निकल के आए थे जिसके अकॉर्डिंग MediaTek का Dimensity 1000 प्रोसेसर जो है वो अपन को इसमें देखने को मिलने वाला था, लेकिन अभी सॉलिड लीक्स आ रहे हैं कि इसमें अपन को Snapdragon का 765 देखने को मिलेगा जिसमें अपन को इनबिल्ट 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये काफी कमाल की चीज हो जाने वाली है। मतलब ऑलमोस्ट 25,000 रुपए प्राइस रेंज में OnePlus की तरफ से ऐसा स्मार्टफोन आया जिसमें हमको 5G कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाए, तो मतलब क्या ही कहना फिर। इसी के साथ हम थोड़ा डिस्प्ले के बारे में बात कर लें। इसमें भी अपन को OnePlus 8 की तरह 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट पैनल देखने को मिलने वाला है। यही नहीं, इसमें अपन को देखने को मिलेगा एमोलेड डिस्प्ले। जो OnePlus 8 सीरीज आती है, OnePlus 8 आता है, उसमें अपन को फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन इसमें अपन को ओनली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। और जो OnePlus के साथ कर्व्ड एजेस आते हैं वो हमको इसमें नहीं देखने को मिलेंगे, बेसिकली इसमें एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, और जो पिक्स आपको डिस्प्ले में शो हो रहे हैं खुद OnePlus की तरफ से आ रहे हैं, तो इनको देख के दो चीजें पता चल रही हैं कि इसमें एक तो बैक में फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिल रहा है और दूसरा 3.5mm का ऑडियो जैक भी नहीं है। इससे दो चीजें निकल के आती है, एक अच्छी और एक बुरी। एक तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा जो काफी कमाल की चीज है, और इसी के साथ अपन को इसमें 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं देखने को मिलेगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि अपन को अब मिड रेंज वाले स्मार्टफोन में भी जो हेडफोन जैक है उसको मिस होता हुआ देखना पड़ेगा। और इसी के साथ बात कर लें हम इसी OnePlus Z के कैमरा की, क्योंकि जहां हम OnePlus की बात कर रहे हैं वहां कैमरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली इसमें बैक में अपन को दो कैमरास देखने को मिलने वाले हैं। 48MP का हमको प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, उसके बाद 16MP का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलने वाला है। अगर इसका हम सीधा सा कंपेयर करें OnePlus 8 से तो उसमें अपन को डेप्थ सेंसर मिलता है 2MP का, वो इसमें नहीं देखने को मिलने वाला है, और बेसिकली इसका कोई बड़ा यूज होता भी नहीं है, ये ओनली नंबरिंग बढ़ाने के काम आता है। तो इसके कैमरास भी इसके प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी कमाल के रहने वाले हैं। इसी के साथ सेल्फी कैमरा की बात करें तो जो सैमसंग की लेटेस्ट सीरीज है नोट और एस सीरीज, उसमें अपन को जो मिड में पंच होल देखने को मिलता है वो सेम इसमें भी देखने को मिलने वाला है, और ये देखने में काफी कमाल लगता है। और इसमें अपन को 4000mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है विद सेम 30W वॉट चार्जिंग। और इसके लॉन्च की मैं आपसे बात करूं तो ये जुलाई के महीने में अपन को देखने को मिलने वाला है। ये अभी लॉन्च हो जाता 8 सीरीज के साथ, लेकिन ये अगर 8 सीरीज के साथ आता तो इसका सीधा कंपैरिजन हो जाता OnePlus 8 से, और लोग उसके कंपेयर में इसको ज्यादा खरीदना प्रेफर करते। अभी ये जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा 24,999 रुपए की प्राइस रेंज में, मतलब ऑलमोस्ट 25,000 रुपए में, और उसके साथ ही अपन को जो इसका सीधा कंपैरिजन देखने को मिलने वाला है वो iPhone SE 2020 और Pixel 4a के साथ देखने को मिलेगा। और इसी सेम OnePlus G के साथ अपन को देखने को मिलने वाले हैं OnePlus की तरफ से ट्रूली वायरलेस एयरबड्स, जिनका सीधा कॉम्पिटिशन होगा एप्पल के एयरपोर्ट्स से। तो ये सारी चीजें हैं जो OnePlus की तरफ से अपन को देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें जो मुझे ये दोनों ही डील काफी कमाल की लग रही हैं, और इसके लिए वेट करना बनता है कोई कर सकता है तो। मतलब जो सारी गुडनेस है OnePlus की वो आधी प्राइस में सिमट के रह जाए तो उससे बेस्ट और कुछ हो नहीं सकता। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर टेक मास्टर को, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दें। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब के लिए गुड बाय।